बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ क्लास। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड वॉज अ साइंटिस्ट दैट बेसिकली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। आपने ये याद रखना है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू लोकेट देयर पोजिशन। एंड रदरफोर्ड इन 1910 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी और वहाँ से क्या कंक्लूजन्स इन्होंने निकाली, वो आज के इस टॉपिक में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ही नोटिस दैट अल्फा पार्टिकल्स वर समटाइम्स डिफ्लेक्टेड बाई समथिंग इन द एयर। दिस इज़ अबाउट एन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली व्हाट ही परफॉर्म्ड। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब आगे मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। So let's have a look. So dear students, actually in 1909 या 1910 कुछ बुक्स में मेंशन है, रदरफोर्ड अंडरटूक ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने किया क्या था कि ही फायर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट अ वेरी थिन सैंपल ऑफ गोल्ड फॉयल। असल में इन्होंने क्या किया था कि हीलियम न्यूक्लियाई जो डबल पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, यानी हीलियम न्यूक्लियाई जिनके ऊपर प्लस टू चार्ज होता है, उनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। इन्होंने पोलोनियम सोर्स यानी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को की बम्बार्डमेंट की थी, किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जिसकी थिकनेस थी ऑलमोस्ट 0.0004 सेंटीमीटर, यानी बहुत थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। उस टाइम तक जो स्टडीज़ हो चुकी थी उनके मुताबिक रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स वुड पास थ्रू द फॉयल स्ट्रेट, कि अल्फा पार्टिकल्स इस फॉयल के थ्रू स्ट्रेट पास कर जाएंगे या अगर डिफ्लेक्ट हुए भी तो बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करेंगे। बट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ही डिस्कवर्ड दैट अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स एंड कुड इवन बी रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट बैक टू द सोर्स। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व जो किया वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स पास कर जाएंगे स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए डिफरेंट एंगल्स पर, और ना सिर्फ रिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो बाउंस बैक हो गए टूवर्ड्स द सोर्स, राइट, बिल्कुल वापस आ गए। तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी जिनको आज हमने स्टडी करना है। इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन्स निकाली रदरफोर्ड ने एंड हाउ ही प्रेजेंटेड हिज मॉडल ऑफ एन एटम। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक। दिस वाज बेसिकली द अपरेटस यूज्ड बाय रदरफोर्ड, जिसके अंदर आपको एक लेड चैम्बर नज़र आ रहा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी पोलोनियम रखा गया था। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम जो है उसको बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉयल के ऊपर। उस गोल्ड फॉयल की थिकनेस थी 0.000 सेंटीमीटर, और साइड पर आप लोगों को एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स फॉयल से पास करने के बाद इस स्क्रीन से टकराते हैं तो एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमें ये कंक्लूड करने में हेल्प करती है कि किन एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो थ्री डायमेंशनल व्यू आप लोगों को यहाँ नज़र आएगा। लेट्स हैव अ लुक। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर, और वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास करते हैं थ्रू द गोल्ड फॉयल, और एक्सपेक्ट ये किया गया था कि वो पास करने के बाद सामने टकराएंगे। बट व्हाट हैपेंड, ये सिर्फ सामने नहीं टकराए बल्कि डिफरेंट एंगल्स पर इनकी डिफ्रेक्शन भी हुई है, ये डिफ्लेक्ट हो गए हैं डिफरेंट एंगल्स पर, राइट। Now this was the apparatus being used again, यहाँ पर apparatus शो किया गया है। अब ये देखें what he expected, उसने expect किया था, उन्होंने ये expect किया था कि that alpha particles will pass through the foil without changing its direction, यानी बिल्कुल straight pass कर जाएंगे। Because the positive charges were spread out evenly alone, they were not enough to stop the alpha particles, क्योंकि उस time तक ये concept था कि within the structure of an atom जो charges होते हैं वो evenly distribute होते हैं, हर जगह uniformly distribute होते हैं, लिहाजा उनके through वो किसी एक जगह पर aggregate नहीं होते, लिहाजा अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब उनके थ्रू पास किया जाएगा तो बड़े आसानी से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर जाएंगे स्ट्रेट थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो ये एक्सपेक्ट किया गया था, इस लिहाज से ये सोचा गया कि व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स विल बी बम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉयल तो वो इस तरीके से स्ट्रेट पास कर जाएंगे। बिकॉज दे थॉट दैट द मास वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम,
अगेन इसको यहाँ यू रिप्रेजेंट किया गया. तो ये एक्सपेक्ट किया था रदरफोर्ड ने, उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब हम पास करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को थ्रू द गोल्ड फॉयल तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगे बिकॉज एटम्स के अंदर मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट व्हाट ही गॉट, लेट्स हैव अ लुक. जी, तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए. यानी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, जो ऊपर आपको डायग्राम शो की जा रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट पास करेंगी वो डिफ्लेक्ट होंगी तो बहुत कम, लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट आया और जो ऑब्ज़र्व किया हमने वो ये था कि वो डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही थी और इवन कुछ तो बाउंस बैक हो रही थी बिल्कुल वापस. तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर जो आप लोगों को नज़र आ रही है डायग्राम वो है कि व्हाट ही डिड एक्सपेक्ट, और राइट साइड पर आप लोगों को वो डायग्राम नज़र आ रही है कि व्हाट ही गॉट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक. डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या था, एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल्स पास कर गए थे स्ट्रेट थ्रू द एटम. कुछ पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हुए थे एट डिफरेंट एंगल्स एंड सम वर बाउंस बैक. तो ये तीन डिफरेंट किस्म की बिहेवियर थे जो ऑब्ज़र्व किए गए थे इस एक्सपेरिमेंट में, और इन बिहेवियर्स की बेसिस पर रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकाली थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. उन्होंने कहा था कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द एटम वॉज मोस्टली एम्प्टी. उन्होंने कहा था क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर गए हैं और डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इससे हमें ये समझ आती है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होता है. एंड बिकॉज द अल्फ़ा रेज वर डिफ्लेक्टेड सो मच द पॉजिटिव पीस इट वॉज स्ट्राइकिंग वर हैवी. तो उन्होंने दूसरी कंक्लूजन ये निकाली अपनी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने कहा क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं, इनसे ये समझ आती है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में कोई हैवी सा एक पार्टिकल मौजूद है जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया था. और उन्होंने कहा था कि उस हैवी पार्टिकल से जब टकराती हैं डिफरेंट एंगल्स पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं एट डिफरेंट एंगल्स पर, और जो बिल्कुल सेंटर में जाकर टकराती हैं न्यूक्लियस के वो बिल्कुल वापस बाउंस बैक हो जाती हैं. तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि देर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज हैवी पोर्शन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज द सेंटर ऑफ द एटम. सॉरी, तो स्मॉल वॉल्यूम एंड बिग डेंस बिग मास इज इक्वल टू बिग डेंसिटी. वो चीज़ जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो और मास बहुत ज़्यादा हो, हम कहते हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. सो हम ये कह सकते हैं कि द स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज एरिया इज़ द न्यूक्लियस. उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल एटम के सेंटर में बिल्कुल छोटा सा एक पार्टिकल होता है लेकिन जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स विद इन द न्यूक्लियस. एटम का ज़्यादातर मास उसकी न्यूक्लियस की वजह से होता है. सो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा मगर बहुत डेंस और हैवी पार्टिकल होता है बिल्कुल सेंटर में मौजूद. तो ये ऑब्जर्वेशंस थी और ये कंक्लूजन्स थी रदरफोर्ड के मॉडल की. सो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने फिर जो एटम का स्ट्रक्चर दिया या एटम का कॉन्सेप्ट दिया वो कुछ इस तरीके का था, जिसमें उन्होंने दरमियान में एक न्यूक्लियस को शो किया जिसको उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि रदरफोर्ड ने जब कहा था कि पार्टी दरमियान में एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिससे टकरा कर रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया था. उन्होंने कहा था कि हो सकता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसीलिए हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो रिपल्जन शो करती हैं और डिफ्लेक्ट हो जाती हैं डिफरेंट एंगल्स पर, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई हैं और हम ये जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसलिए अगर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और हमारे हीलियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमारी हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं जब वो न्यूक्लियस के करीब से होकर गुजरेंगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं डिफरेंट एंगल्स. तो ये एक और एक्सप्लेनेशन दी गई थी फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा रेज एट डिफरेंट एंगल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द हाइपोथेसिस बाय रदरफोर्ड. एट द एंड जब उन्होंने अपना मॉडल दिया
अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी कि देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो इन्होंने जो मॉडल दिया था एटम का वो असल में प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है कि जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम. तो ये एक्सप्लेनेशन दी थी रदरफोर्ड ने. सो बिल्कुल ये देखें, दिस एक्सप्लेन द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम कि जिस तरीके से सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हुए दिखाया गया है. अब कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के, यानी कि ये मॉडल जो उन्होंने दिया था, दो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन ये मॉडल जो है वो बिल्कुल सही नहीं था. इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको बाद में आने वाले साइंटिस्ट नील बोहर ने ठीक किया था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. लेकिन ड्रॉबैक्स थे क्या? ड्रॉबैक्स ये थे कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशंस दे गेन एक्सेलरेशन. ये कहा जाता है कि वो चार्ज पार्टिकल्स जब किसी चीज़ के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में होते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, वो एक्सेलरेशन गेन करते हैं. और कोई चीज़ जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही हो, कोई चार्ज पार्टिकल, और वो एक्सेलरेट हो रहा हो, वो इनर्जी एमिट करता है. तो ये कंक्लूड किया गया कि अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सही मान लिया जाए कि उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलेट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो वो गेन करेंगे एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स लाजिम है कि एनर्जी भी इमिट करेंगे. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट करेंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी उनका जो ये जो रेडियस है उनके ऑर्बिट का वो कम होता जाएगा. मींस के दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन स्पायरल फैशन, कि वो बिल्कुल स्पायरल फैशन की तरह आहिस्ता आहिस्ता कम एनर्जी होने की वजह से न्यूक्लियस की तरफ मूव करते जाएंगे. एंड फाइनली दे विल फॉल ऑन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विल कलैप्स. ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो फिर तो एंड पर एक वक्त आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कलैप्स हो जाना चाहिए एटम का. जबकि हम देखते हैं इर्द गिर्द अपनी एनवायरनमेंट के अंदर के एटम्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, ऐसा फिनोमेना नहीं होता कि एटम्स का स्ट्रक्चर कलैप्स कर जाए. इट मींस कि रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एक्सेलरेट भी होते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी करके न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करके स्ट्रक्चर को कलैप्स नहीं करते. तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी. ये था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, मॉडल का ड्रॉबैक, जो बाद में नील बोहर ने जिसको कंटेन करने की कोशिश की थी. ऑलराइट, सो इस फिनोमिनन को आप एक और डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी एंड विल फाइनली फॉल ऑन द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.